नमस्कार, मी श्वेता। तुम्ही पाहताय न्यूज 18 लोकमत। बुलेटिन मध्ये तुमचं स्वागत। या बुलेटिनची सुरुवात कोरोना संदर्भातल्या एका महत्वाच्या बातमीनं करतोय। कारण राज्यामध्ये कोरोना रुग्णांची संख्या काही केल्या कमी होण्याचं नाव घेत नाहीये। राज्यातील 8 जिल्ह्यांमध्ये अजूनही परिस्थिती चिंताजनक आहे। राज्यामध्ये दुसऱ्या लाटेचा प्रभाव अधिक काळ टिकल्याचं बघायला मिळतंय। चाचण्यांमध्ये झालेली घट, नियमांचं उल्लंघन, त्यामुळे रुग्णसंख्या वाढताना दिसतेय। पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणामध्ये अद्याप कोरोनाग्रस्तांची संख्या ही वाढतीच आहे। सर्वाधिक रुग्णांचं प्रमाण हे कोल्हापुरात आहे, तर सातारा, सांगली, रायगड, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आणि पालघर तसंच पुण्यातही बाधितांचं प्रमाण जास्त आहे। कालच पंतप्रधानांनी महाराष्ट्रातल्या स्थितीबाबत चिंता व्यक्त केली होती, त्यामुळे आता प्रशासनाची चिंता देखील आणखी वाढणार आहे। राज्यासाठी आणखी एक चिंतेची बाब म्हणजे मृत्यूदर वाढलेला आहे। गेल्या 24 तासात कोरोनामुळे 200 रुग्णांचा मृत्यू झालाय, त्यामुळे राज्याचा मृत्यूदर हा 2.03% इतका झालाय। राज्यात आजपर्यंत कोरोनामुळे झालेल्या मृतांचा आकडा 1,25,034 इतका झालाय। यामध्ये सर्वाधिक 15,599 मृत्यू हे एकट्या मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातले। दुसरीकडे राज्यात नव्यानं सापडणाऱ्या कोरोनाबाधितांचा आकडा सुद्धा 10,000 खालीचे। आरोग्य यंत्रणेसाठी ही काहीशी दिलासादायक बाब आहे। मात्र गेल्या 24 तासात राज्यामध्ये 8,992 इतक्या नव्या कोरोनाबाधितांची नोंद झाली, मात्र मृत्यूदर वाढल्यानं चिंता देखील वाढली आहे। राज्यामध्ये 8 जिल्ह्यांची स्थिती तर चिंताजनकच आहे आणि राज्याचा मृत्यूदर वाढलेला आहे, त्यामुळे ही एक दुसरी बाजू संपूर्ण देशभरात महाराष्ट्र आणि केरळ या राज्यांमध्ये कोरोनाची तिसरी लाट येण्याची शंका पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी व्यक्त केली। त्याची पुष्टी राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपेंनी केली आहे। महाराष्ट्रात कोरोनाची तिसरी लाट येण्याच्या शक्यतेवर आरोग्यमंत्री राजेश टोपे काय म्हणाले, ऐकूयात। खास तौर पर जो तीसरी लहर की चिंता व्यक्त की जा रही है वो बिल्कुल सही भी है, क्योंकि तीसरी लहर के हद तक महाराष्ट्र में हम बहुत अच्छी तरह से तैयारी करने के बारे में हमने काम किया है। जैसा कि खास तौर पर जो कहा गया है केंद्र सरकार ने भी कि तीसरी लहर में बच्चों पे बड़ा ज़्यादा असर हो सकता है, तो इसमें हमने पीडियाट्रिक टास्क फोर्स भी किया है। उसके खास तौर पर जो भी सजेशंस हैं, रिकमेंडेशंस हैं, वो हम पूरी तरह से हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टास्क फोर्स किए हैं। 10% बेड्स हम बच्चों के लिए पीडियाट्रिक बेड बोल के हमने उनको रिजर्व किया है। और ख़ास तौर पर अभी तीसरी लहर के लिए हम सर्विलेंस पे हम जोर दे रहे हैं, जैसा कि ILI और सारी का सर्विलेंस है, और ट्रैकिंग ट्रेसिंग भी हम अच्छी तरह से कर रहे हैं। रहा सवाल टेस्टिंग, हमने बिल्कुल कम नहीं किया है, टेस्टिंग हम बढ़ा ही रहे हैं। RT-PCR का जो भी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है कैपेसिटी का, वो हम पूरी तरह से कर रहे हैं। और RAT जो बोलते हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट, उसका भी ज़रूरत पड़ने के ऊपर जो सुपर स्प्रेडर्स है उसके लिए भी हम RAT का इस्तेमाल कर रहे हैं।